प्रमुख बाजारों में वाहन पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, जिसको लेकर नगर निगम एक नई कार्य योजना बना रहा है, जिससे बाजार में आने वाले बाहरी लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इंदौर नगर निगम के आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि निगम ने एक सर्वे कराया है, जिसमें यह पाया गया है कि पार्किंग वाले स्थान पर बाजार में दुकानदारों के वाहन सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, जिनके कारण बाहर से आने वाले ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ती है। निगमायुक्त के मुताबिक निगम जल्द ही एक रूट बनाएगा, जिसमें लोक परिवहन के तहत वाहन चलेंगे। वहीं व्यापारियों से कहा जाएगा कि वह लोक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि शहर में किसी को पार्किंग की समस्या ना हो और इंदौर की यातायात व्यवस्था भी सुधर जाए। देखिए, हम लोगों ने एक सर्वे कराया था कि जो कुछ व्यापारी ऐसे एरियाज हैं जहां पर जो दुकानदार हैं वो अपनी या तो ज्यादातर टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से होके आते हैं। अब इसमें समस्या ये होती है कि जो वाहन लेके आते हैं वो पूरे दिन भर उन व्यावसायिक क्षेत्रों में खड़ा रहता है, जबकि जो ग्राहक आते हैं उनका वाहन जो है बहुत कम देर के लिए खड़ा रहता है। तो पूरी की पूरी पार्किंग जो अवेलेबल रहती है उसका उपयोग दुकानदारों के द्वारा ही कर लिया जाता है। तो हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, लोगों से बातचीत करी थी, जिसमें ये निकल के आया था कि अगर हम लोग कुछ डेडिकेटेड रूट्स बना दें और पासेज अगर हम इनको इशू कर दें तो लोक परिवहन का प्रयोग अगर ये दुकानदार करने लगे तो पार्किंग का स्पेस खाली हो जाएगा, जिसका ग्राहक प्रयोग करने लग जाएंगे और बहुत सहूलियत हो जाएगी, ट्रैफिक कंजेशन बहुत कमी आएगी। उस सर्वे के आधार पर हमने कुछ रूट आइडेंटिफाई किए हैं, बहुत जल्दी उनको चलाने की शुरुआत करेंगे। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।